देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली में करीब दो दिन के भीतर दो चोरी की ऐसी बड़ी वारदात जिसने पुलिस के होश उड़ा दिए, दिल्ली पुलिस के होश पाकता कर दिए और दो बड़ी चोरियां हुई हैं, एक भोगल में तो दूसरी समयपुर बादली में। इस वक्त हम समयपुर बादली में मौजूद हैं और आपको वो कहानी समझाएंगे किस तरीके से दिन दहाड़े एक ऐसी लूट को अंजाम दिया गया जहां पर पिस्टल के दम पर एक लूट को अंजाम दिया गया और करीब 28 से 30 लाख का सोना एक ज्वेलर के यहाँ से चोरी किया गया और लूटा गया। आप ये दुकान देखिए, ये श्रीराम ज्वेलर्स है, मेन लिवासपुर रोड है और ये पूरी मार्केट है, काफी चहल पहल यहाँ पर होती है। जब ये घटना हुई तो तकरीबन 1 बजे का समय था और ये घटना कैसे हुई ये खुद वो पीड़ित परिवार बताएगा जिनकी दुकान है, जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। नितिन, आप उस वक्त शोरूम में मौजूद थे, सिलसिलेवार तरीके से बताइएगा क्या हुआ था, क्या क्या हो रहा था, कौन कौन आपके साथ उस वक्त अंदर था आपकी दुकान में? मेरे साथ 5 स्टाफ काम करते हैं, तो 4 स्टाफ मेरे पास ही था और मैं भी अपना बैठा हुआ था। हमारे पास कस्टमर भी बैठे हुए थे, 3 कस्टमर थे और अपना जैसे रूटीन में हमारा काम होता है, हम रूटीन में काम कर रहे थे तो एकदम से दुकान के अंदर एक बंदा एंटर करता है पहले, हेलमेट वाला। तो अब उसने क्या करा कि जैसे पहले एंटर करा तो उसने हल्का सा हेलमेट उतारने की कोशिश करी पर उसने हेलमेट उतारा नहीं, तो हेलमेट उतारा नहीं। उसके बाद दूसरे बंदा आया, उसने बंदूक निकाली और सबसे पहले उसने मेरे को टारगेट कर दिया। अब वो बंदूक टारगेट करके रख रहा मेरे ऊपर ही, इस इतने में दो जो उसके साथी थे उन्होंने दुकान के अंदर एंटर करके अपना पहले एक एक करके ट्रे में से सामान उतारने लगे। फिर उनको लगा कि भीड़ हो रही है, मार्केट का इलाका है, तो उन्होंने क्या किया कि पूरी ट्रे समेत थी 6 ट्रे हमारी ज्वेलरी की ले गए। कुछ एक दो बैंगल्स वगैरह सेट थे, गले के हार थे, वो सब उनको जो हाथ लगा निकल गए और बाहर फायरिंग करते हुए चले गए ताकि कोई उनको ना रोके। ये पूरी घटना कितने समय में हुई, लुटेरों ने बदमाशों ने कितना समय लिया? जो मैंने अपनी देखी है फुटेज वगैरह तो उसमें 2 से 3 मिनट लगाया उन्होंने मुश्किल से, जिसमें सारा उनका वो अपना सामान उन्होंने समेट लिया। और बल्कि जाते हुए उन्होंने जब वो बाहर निकले तो कुछ सामान बाहर भी बिखेर दिया था, तो कुछ लोगों ने मुझे वापस भी करा कि सर ये आपका सामान बाहर गिर गया, तो ये वारदात हुई है कल। और किसी ने रोकने की कोशिश इसलिए नहीं करी क्योंकि उनके पास 2-3 दिन पिस्टल थी तो, और फायरिंग भी करी थी तो कोई सामने नहीं आया। जब वो दुकान के अंदर एंटर किए थे तो हेलमेट पहले से लगाए हुए थे और उन्होंने सूट बूट एक तो पूरी तरीके से जैसे किसी पार्टी में जाते हैं उस तरीके तैयार थे? हाँ, वो पूरी तैयारी से आए थे कि हेलमेट पहन रखा था, सूट पहन रखा था, ग्लव्स पहन रखे ताकि कोई उनकी ट्रेसिंग ना हो पाए। और पता नहीं उन्होंने किस वजह से कितने दिन से उन्होंने ट्रैक कर रहे थे दुकान को। पुलिस की तरफ से आपको इसमें क्या कहा गया है, जांच किस ओर चल रही है, किस कोई आश्वासन आप लोग को दिया गया हो? हाँ, अभी तो आश्वासन ही है कि हाँ जी कार्रवाई हो रही है, FIR कल करवाई है हमने रात को, हम 10 बजे 10:30 बजे थाने से वापसी आए हैं और FIR हो गई है। अभी उनकी तरफ से यही है कि कार्रवाई वो पूरी कर रहे हैं, क्राइम ब्रांच की टीम भी लगी हुई है, उनका ये कहना है कि क्राइम ब्रांच की टीम भी लगी हुई है, तो देखते हैं बाकी क्या होता है। आज मैं भी वापिस जा रहा हूँ थाने में। तो देखिए नितिन, वो पूरी दास्तान सुना रहे हैं कि किस तरीके से उनके शोरूम के भीतर नकाबपोश 3 बदमाश दाखिल होते हैं, बकायदा सूट उन्होंने पहना हुआ था, हेलमेट था और ग्लव्स हाथ में थे, यानी पूरी तैयारी के साथ वो यहाँ पर पहुंचे थे। और मैं आपको मार्केट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कोई ऐसी कोई सुनसान जगह नहीं है जहां पर इस तरीके से चोरी डकैती की वारदात को अंजाम दिया जाए। ये अच्छा खासा चलता हुआ बाजार है, अच्छा खासा चलता हुआ रोड है और अभी तो सुबह का समय है तो चहल पहल कम है, लेकिन जब ये वारदात हुई तो उस समय घड़ी में जो समय था तकरीबन 1:02 के आसपास बताया जा रहा है। और आसपास के जो लोग हैं, आसपास जो व्यापारी हैं जिनकी दुकानें हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने दशकों में ऐसी घटना दिल्ली में और इस इलाके में तो नहीं देखी। सर, आप यहाँ पर उस वक्त मौजूद थे जब ये घटना यहाँ पर हुई, आपने क्या देखा उस समय? बस मैंने देखा एक बाइक पे 3 लड़के आए हुए हैं, सूट फूट पहना हुआ और हेलमेट से चेहरा बिल्कुल ढका हुआ था, हाथ में ऐसे लग रहा था कोई उनके हाथ में लैपटॉप है बट वो बैग था। मैं अंदर गया 1 सेकंड के लिए, वापिस आया तो उन्होंने शोरूम के अंदर सबके हाथ उठवा रखे रिवॉल्वर के उसके ऊपर। तो अंदर शोरूम के अंदर उन्होंने सबके हाथ ऊपर करवाए हुए, तो पिस्टल तानी हुई थी उनको? पिस्टल तानी हुई थी, हाथ ऊपर करवा रखे थे। कितने साल से आप दिल्ली में? आई एम लिविंग हियर फॉर द लास्ट 35 ईयर्स बट आई हैव नेवर सीन सच टाइप ऑफ इंसिडेंट। बीते 35-40 साल में आपने ऐसी घटना नहीं देखी है? नहीं, लाइव डकैती। मन में डर भी है क्योंकि हर कोई व्यक्ति 2 रुपए कमाने के लिए मार्केट में बैठा हुआ है। डेफिनेटली हर आदमी डरता है, बाल बच्चेदार है। आपकी भी पास में दुकान है? मेरी दुकान नहीं है, मैं तो रियास है मेरा, तो
बाकी मेरा भी जन्म यहीं का है, मैंने कभी यहाँ ऐसा ऐसी घटना होते हुए नहीं देखा है और ना ही कभी कोई चोरी वोरी भी देखी है। हाँ, जब यहाँ इतनी बसावट नहीं थी तो ये छोटी मोटी चोरी रात में हो जाती थी। बाकी ऐसी घटना जो है ना, ये इसके लिए तो मैं बहुत अफसोस मान रहा हूँ जो कि दिन दहाड़े और ऐसा काम हो गया है। समझिए, तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर है और जो मंसूबे हैं चोरों के डकैतों के वो साफ इसलिए नजर आते हैं कि दोपहर के समय आप कहीं भी पिस्टल तान के किसी को लूट सकते हैं। एक ज्वेलर जो चार पैसे कमाने के लिए मार्केट में उनकी दुकान है वहां पर इस तरीके से लूट की घटना होती है। अनूप जी, एक मिनट अगर आप बात करें, अनूप जी वो शख्स है जब ये डकैती हुई तो अनूप जी यहाँ से बाहर निकले और उन्होंने उनका पीछा करने की कोशिश करी और पीछा वो नहीं कर पाए, लेकिन जब तक डकैत अपनी बाइक लेके जा चुके थे। अनूप जी एक बार बात करिएगा, आपने क्या देखा, क्योंकि आपके ठीक सामने वो ज्वेलर्स की दुकान है श्रीराम ज्वेलर्स की जहाँ पर डकैती हुई, आपने उस समय क्या देखा था? मैं जैसे बैठता वैसे बैठा हुआ था, दिन में एक बजे की बात है तो उस साइड से पहले एक आदमी अंदर घुसता है, पूरा नकाब पोश, आंखें खुली, यहाँ पूरा बंद, फिर दूसरा घुसता है और फिर तीसरा घुसता है, तीनों फटाफट अंदर घुस गए दुकान के अंदर। अब मुझे कस्टमर आते हैं, तहजीब से आते हैं, तरीके से आते हैं, बाइक खड़ी करते हैं, आते हैं, गेट पुश करते हैं, जो भी करते हैं, आके बैठते हैं, तो मेरी निगाह जैसे वो जल्दी जल्दी घुसे तो मुझे लगा कुछ ना कुछ होने वाला है। तो जैसे गए अंदर, क्यों इनका शीशा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बाहर से सब कुछ दिखाई देता है, तो मुझे लगा सामने, ये पहले बिल्कुल सामने की तरफ गए, फिर एक लड़का इधर आया लेफ्ट साइड में, एक राइट में गया। एक बार आप बाहर आके जरा बता पाएंगे कहाँ पर क्या क्या घटा था और आप कैसे उनके पीछे गए, कैसे आपने उनके उनको बचाने की कोशिश करी? अपना फोन ले लीजिएगा। हाँ, तो क्या क्या हुआ था ये जरा हमको जरा समझाने की कोशिश करिएगा। देखिए, आपकी दुकान यहाँ पर है, जो ज्वेलर शॉप है वो आपके ठीक सामने है, तो आपने यहाँ से क्या क्या देखा, थोड़ा आगे आके बता दिया अनूप जी। मैं बैठा हुआ था, एक आदमी वहाँ से अंदर घुसा, दूसरा घुसा, तीसरा वहाँ से घुसा, ठीक है, जल्दबाजी में थे, सबने कोट पैंट पहन रखा था, पूरे नकाबपोश थे, सिर्फ आंखें खुली हुई थी, और तीन व्यक्ति थे अंदर गए और फटाफट तो मुझे दिखाई पड़ रहा था कि उन्हें कुछ हो रहा है, कि तीन चार लेडीज अंदर बैठी हुई थी, कस्टमर वो बैठी हुई थी, वो खड़े हुए थे, तो उन्होंने बैग निकाला वहाँ से सामने से, बाकी इस साइड जब आए ना तो मुझे लगा कि डकैती हो गई, फिर मैं बाहर निकल के आया यहाँ से, मैंने शोर मचाया अगल बगल, मतलब कोई निकल कर नहीं आया। इतनी देर में उन्होंने 3 या 4 मिनट लगाए, मुश्किल से 3 या 4 मिनट, एक निकला उधर, दो निकला, फिर तीसरा निकला, फिर मैं भी, मेरे जुनून था, मेरे दिमाग में जो था, मेरे मन में आया, मैंने किया, मैं उनके पीछे पीछे भागा, फिर उनके पीछे भागा, वो जो स्कूटी खड़ी है लास्ट वाली जो टाइटल लिखा हुआ है, वहाँ उनकी बाइक खड़ी हुई थी वहाँ पर, एक बैठा दो बैठा, जब मैं वहाँ तक पहुँचा मैं रूह हराम जाते, जो भी मेरे मुँह में आया मैंने गाली गलौज करी, तो उन्होंने एक पिस्तौल निकाल के ऐसे तान दी नीचे करके, अच्छा तान दी, फिर मैं रुक गया, फिर बीच वाले ने बोला अगर पीछा कर रहे हैं तो हवाई फायर कर दिया, इतनी देर में क्या है वो राइट मुड़ गए मेट्रो की तरफ, बाली की तरफ, फिर मैं, हाँ, मन में डर लगता है क्योंकि आप भी दुकान कर रहे हैं चला रहे हैं। देखो जी, वैसे तो मैं बहुत डरपोक हूँ, जब जुनून होता है कुछ होता है ना, तो एकदम मेरा मोटिव यही था कि मैं किसी एक को ऐसे करके पकड़ लूँ, सॉरी लेकिन आपने उनको रोकने की कोशिश की, आप भी यहाँ पर काम करते तो ऐसी घटनाएं होती है तो कहीं ना कहीं डराती हैं कि दिन दहाड़े ऐसी घटनाएं हो रही है। देखो, डरने वाले डरते रहें और करने वाले करते रहें, साफ बात है, जो होगा सामने आएगा, अच्छा हो बुरा हो जो भी, मेरा जो करना था मैंने करना तो करा, बाकी लोग बुरा माने अच्छा माने मुझे नहीं पता। देखिए, अनूप समझा रहे हैं, अनूप जी समझा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर वारदात हुई। बाकायदा उन्होंने बताया कि जो श्रीराम ज्वेलर्स है उसके ठीक बाहर एक बाइक, यहाँ का दिखाइएगा चंदन जरा, ये यहाँ पर आप अभी इसमें बुलेट देख रहे हैं, यहाँ पर वो बाइक थी और अपाचे बाइक थी, उस पर 3 बदमाश सवार थे और यहाँ से वो एक एक करके दाखिल इस शोरूम के भीतर होते हैं और अंदर 3 से 4 कस्टमर अंदर पहले से बैठे हुए थे और जो कपड़े बदमाशों ने पहने हुए थे, चोरों ने पहने हुए थे, तो उससे लग रहा था जैसे किसी पार्टी में तैयार होने के लिए आए हुए हैं, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि अपनी वेशभूषा बदलने की कोशिश वो लोग कर रहे थे और चोरी करने के बाद वो लोग इस रास्ते यहाँ से फरार हो गए और दाईं तरफ मुड़ गए। तो
आप इससे अंदाजा लगाइए कि बदमाशों के जो मंसूबे हैं एक तरीके से वो कितने बेखौफ है, पुलिस का कोई खौफ उनके मन में नहीं है, और दिन दहाड़े दोपहर के तकरीबन 1 बजे एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जाता है और एक ऐसी जगह पर अंजाम दिया जाता है जहां पर सैकड़ों लोग, दर्जनों दुकानें हैं, चहल पहल है, लेकिन उनको किसी बात का कोई खौफ नहीं है।